मातरम में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बात को कहने का एक अलग ही अंदाज होता है, लेकिन इस बार मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने जो कुछ भी अंदाजे बयान किया उसके बाद से ट्विटर पर बेटियों के साथ सेल्फी लेना जैसे कि एक ट्रेंड हो गया हो। दरअसल देश में खासतौर से हरियाणा में घटते हुए लिंगानुपात पर चिंता जताते हुए मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कुछ अलग ही तरह से प्रेरित किया। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सोशल मीडिया पर बेटियों के साथ सेल्फी शेयर करने को कहा, जिसके बाद से ट्विटर पर सेल्फी विद डॉटर की भरमार हो गई है। आज हम अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम पर इसी पर चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की नेत्री शबनम खान जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नेता कांग्रेस नीता मिश्रा जी, इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। सभी पैनल के मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर की मन की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को किया प्रोत्साहित, बेटी के साथ सेल्फी खींचने और पोस्ट करने की अपील, हरियाणा के गांव बीबीपुर के एक सरपंच से प्रेरित हुए मोदी, सबसे ज्यादा प्रेरक टैगलाइन वाली सेल्फी को रीट्वीट करेंगे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज़े खास। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंगानुपात में देश के सबसे पिछड़े राज्य हरियाणा में एक गांव के सरपंच द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया और बाकी देशवासियों से भी इसका हिस्सा बनने की अपील की है। चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में आखिर मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर क्या कुछ कहा था। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी, उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके हैशटैग सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे, मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्वीट करूंगा। हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात को जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक ऐसा देश जहां बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, एक ऐसा देश जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बेहद कम है, एक ऐसा देश जहां लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नसीब नहीं होती है। आज उसी देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस जो अपील की गई है उस अपील का कितना असर होगा, किसको कितना फायदा होगा। और खास मान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत हम कार्यक्रम की करेंगे। नीता मिश्रा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की नेत्री हैं। नीता जी, आपको क्या लगता है इस क्या एक सेल्फी से तस्वीर बदल पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस देश की जनता इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये अपेक्षा कर रही थी कि इस देश की ही प्रमुख चार जो बेटियां हैं, चाहे वो सुषमा जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे पंकजा मुंडे जी हो, स्मृति ईरानी जी हो, जो पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसके लिए मोदी जी के मन में क्या विचार है।
मोदी जी के मन की बात इन महिलाओं के लिए हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा और वे मौन रहे। इसलिए मेरा तो ये सोचना है, देखिए सबसे पहले मुझे बोल लेने दीजिए, राजनीतिक चर्चा है मैं ये जानती हूँ, और भले ही ये सामाजिक, आप इसको अगर एक सामाजिक चर्चा मानते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हैं और उनसे ये अपेक्षा करती है जनता कि वे, उनकी सरकार ने जो कुछ भी किया उसके बारे में तो उस मंच से, मन की बात से वो बोले, लेकिन साथ ही जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बन के बैठा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं उनको मोदी जी को उसके बारे में बोलना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा। नीता जी वो अगर हम धारण कर लेते हैं, ठीक है ठीक है नीता जी, ये राजनीतिक मुद्दा है, देश की आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं और ये कोई आज केवल मोदी जी ने नहीं कहा है, काफी पहले से प्रयास होता रहा है और आपकी सरकार ने भी प्रयास किया था, लेकिन ये पहल समाज में लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो पहल शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के सिलसिले में ये ट्वीट किया गया। हालांकि ये ट्वीट जो है ये मोदी की तरफ से नहीं किया गया, मोदी जी की तरफ से नहीं किया गया है, जो सुनील जगदाल थे उनकी तरफ से किया गया, उनको इंडोर्स किया है मोदी ने। तो आज इस मौके पे हम केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करेंगे ना, राजनीतिक रूप से ही चर्चा तो रोज ही करते हैं हम, एक दिन कम से कम राजनीति से अलग हटके अगर हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि आप भी, आपको भी करना चाहिए, आप भी बेटी हैं देश की। जी नहीं ठीक है, उन्होंने बेटी बचाओ के बारे में बात करी, बहुत बात करी, हालांकि उन्होंने उन 15-20 करोड़ की आबादी को नहीं छुआ, उन्होंने रक्षाबंधन की बात करी, लेकिन जो ईद आने वाली है, जो उसके पहले आने वाली है, उसकी बेटियों के बारे में कौन बात करेगा और कब बात करेगा। इसलिए अगर उन्होंने ये बात करी इसका तो स्वागत है, लेकिन साथ में मन की बात जब वो कर रहे थे तो उनको उन ज्वलंत मुद्दों को सेल्फी विद डॉक्टर में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। देखिए मैं इस बारे में कि बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी, अगर ये कहा जाए कि मोदी जी इसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस बात को आज से नहीं, वर्षों से इस बात को कहा जा रहा है। महिलाओं की, बच्चियों की पढ़ाई के लिए समय समय तक पर कांग्रेस सरकार ने न जाने कितने कदम उठाए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उठाए हैं। नीता जी एक मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि 1994 में लिंग की जांच के लिए कानून बनाया गया और 1996 में इसको लागू हुआ, लेकिन उसके बाद से पहली सरकार है जिसने एक अभियान के रूप में इसको शुरुआत की है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, हर चीज जब भी मोदी जी कोई बात करते हैं तो समाज पर डाल देते हैं कि समाज को आगे बढ़ करके इसका हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो समाज में चाहिए वे कहते हैं सिटीजंस आगे आए, लेकिन जो समाज के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके लिए दायित्व क्यों नहीं लेती है सरकार। बिल्कुल, ये सरकार ये बिल्कुल नीताजी आपने दो बातें कही हैं, आपने दो बातें कही हैं, एक जो इनिशिएटिव आज मोदी जी ले रहे हैं वो इनिशिएटिव आपकी सरकार या दूसरी जो पिछली सरकारें रही हैं वो भी लेती रही हैं, लेकिन नतीजा हम लोगों के सामने है। आज भी हरियाणा में जो देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हरियाणा जैसे प्रदेश में, हरियाणा जैसे गाँव में अगर इस तरीके के इनिशिएटिव की शुरुआत होती है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे साथ शबनम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और आपकी नेता भी, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपने जो कहा था, अभी आपने एक सवाल उठाया था नीता जी, भी आपने एक सवाल उठाया था कि उन्होंने सिर्फ एक तबके के लिए इसे शुरू किया है, सबनम जी से इसी का हम जवाब ले लेते हैं। सबनम जी, मुकेश जी, सेल्फी विद डॉटर कोई बुरी चीज नहीं है, अगर इससे कोई अवेयरनेस आती है, लड़कियों के प्रति लोगों के मन में प्रेम जागता है कि जी हाँ बेटियां भी सम्मान के लायक हैं, बेटियों को भी बेटों के बराबर ही समझना चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको भी आप बिजनेस की तरह से यूज करना चाहें, इसको भी आप उसी तरह से जिस तरीके से आपने खुद को प्रमोट करके प्रधानमंत्री बनने की पद की दौड़ में आप आए, अगर आप इसको इस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मुझे लगता है कि खराब तरीका है। शबनम जी, आपको करना ये चाहिए था, अगर आपको सच में ही लड़कियों की इतनी फिक्र थी तो आपको करना ये चाहिए था, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र, जो हमारा पुलिस तंत्र है, जो एकदम खोखला, पूरे देश में मैं घूम घूम कर काम करती हूँ लड़कियों के लिए, जो मैं बिल्कुल खोखला देखती हूँ, एक पुलिस अधिकारी लड़कियों की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, आपको इन्हें कसने की कोशिश करनी चाहिए थी, आपको इस प्रशासनिक तंत्र पर शिकंजा कसना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति, न सिर्फ लड़की, कोई भी व्यक्ति, देश का नागरिक आपके पास कोई शिकायत लेकर आएगा आपको उसको
को सुनना होगा और कोई लड़की होगी तो, और खासकर बलात्कार की पीड़िता को भी आप पर हम आवाज उठाते रहे, जहां पुलिस थानों में सुनवाई तक नहीं है, आपको इन चीजों पर काम करना चाहिए। आडंबर करने से आप लड़कियों को, ये जो इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसलिए है कि बेटियों की संख्या लगातार घट रही है, लिंगानुपात कम होता जा रहा है, हरियाणा में तो स्थिति और भी खराब, करीब देश के 100 जिलों में स्थिति खराब है, और उसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव को इंडोर्स किया है और उसकी तारीफ की है। अगर मान लीजिए आपको ये इनिशिएटिव अच्छा नहीं लगता, आप इसको इसमें पार्ट नहीं लेना चाहती है, ठीक है, आप नहीं ले सकती है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, लेकिन क्या लेकिन ये जो समस्या है हमारे देश में है और ये जो हमारे समाज में समस्या है, कहीं ना कहीं हम सब रूबरू होते हैं कहीं ना कहीं, तो आपके पास क्या फार्मूला है, आप कैसे जागरूकता फैलाएंगे? जागरूकता फैलाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या खराब है, बेटियों की संख्या घट रही है, सब कोई जानते हैं, सबको पता है समस्या क्या है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो, उसके लिए इनिशिएटिव किस तरीके के लेने चाहिए, ये सॉल्यूशन जो है इसमें जागरूकता चाहिए, लोगों को शिक्षित करना है कि बेटियां जो है वो धरोहर होती है, बेटियां देश के लिए नाम कर सकती है, जितने बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, जानते सब हैं, आलेख सब कोई लिखते हैं, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और एक बात यह मैं भी कहना चाहूंगी, शरद जी, श्री आप कोई कानून ला सकते थे कि अगर आपके घर में बेटी है तो उसको पढ़ाना जरूरी है। नीता जी के पास भी हम जाएंगे, डालने से मुझे नहीं लगता कि जी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम बेटियों को बचाने की बात करते हैं तो हमें समाज को सेंसिटाइज करना होगा, और समाज तक हमें पहुंचना है तो उसके लिए कोई जरिया स्थापित, कोई प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं। अब देखना ये होगा, मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए ही हमें इसको अवेयरनेस के रूप में ही लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव कदम है, लेकिन हमें उसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। नीता जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रही है? जी नीता जी। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया इस बात का, और ये भी एक समस्या है, गंभीर समस्या है, सामाजिक समस्या है, लेकिन जब मोदी जी मन की बात कहते हैं, देश को जब इतनी बड़ी जनसंख्या को जब वो एड्रेस करते हैं, तो शायद लोगों के मन में, इस जनता के मन में ये इच्छुक होते हैं लोग ये सुनने के लिए कि मोदी जी की सरकार ने उनके लिए जो भी प्रोमिसेस किए थे, जो वचन दिए थे, वो मोदी जी अब जनता के सामने रखे कि उन वचनों को वो किस हद तक उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। कल उन्होंने बेटी बचाओ के बारे में बात करी, या कोई भी बात ले लीजिए, नेपाल के बारे में, यमन के बारे में, योग के बारे में, इन सब की बातों को लेकर के तो पहले ही बहुत डिंडोरा पीटा जा चुका है, लोगों को पूरी तरह से पता है सरकार ने क्या किया। लेकिन कल जो मन की बात थी वो इस तरह से महत्वपूर्ण थी कि मोदी जी को बताना चाहिए था कि ये जो चार महिलाएं हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो नेता जी आप वहीं पे आ गई जहां से शुरू हुआ था, इस पे हम आगे निकलेंगे। शबनम जी कुछ बोलना चाह रही हैं। आपने मन की बात की है। देखिए बेटी बचाओ की बात बाद में आएगी, पहले मन की बात हो। नेता जी सुन लेते हैं हम शबनम जी। लड़कियां योग करने से सुरक्षित होंगी ना, सेल्फी डालने से सुरक्षित होंगी, बहुत माफी के साथ कहना चाहती हूँ आपको। हमें, मैं बहुत सालों से लड़कियों के लिए काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ जमीनी स्तर पर किस तरीके से हमारे कानून को एक ताकतवर कानून बनाने की जरूरत है। नेताओं की अर्दली करने वाला कानून नहीं चाहिए हमारे देश को, जो सिर्फ किसी नेता ने कहा। तो आप देखिए, बहुत सारे आपको व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आप और हम कहते हैं प्रभावशाली थे जी। क्या होता है प्रभाव, क्यों काम करता है वो कानून के ऊपर प्रभाव? हमें इन सब चीजों को खत्म करने की जरूरत है श्रेया, तब हम कहीं लड़कियों की सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अवेयरनेस कोई बुरी बात नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम पिछली सरकार ने भी बहुत चलाए, ये सरकार भी ज्यादा से ज्यादा चलाए, अवेयरनेस आनी चाहिए, लेकिन जो सुरक्षा तंत्र, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, उस ढांचे को आप कब मजबूत करेंगे, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। नीता जी आप बार बार इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर देख रही हैं, लेकिन मैं आपका राय इस मामले पर जाना चाहूंगी, क्यों ना हम मिलकर ये सोचें कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा समाज इस ओर जा रहा है, बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इस ओर हम ध्यान दें तो शायद हमारे लिए और आपके लिए, बल्कि हमारे समाज के लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए इसमें भी एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का एक तरह से ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बेटियों को बचाए, बेटियों को बढ़ाए, लेकिन सरकार की कहां जिम्मेदारी है ये जानना चाहती हूँ। जहां तक कि यहाँ पर इस मंच पे मन की बात वाले मंच पर मोदी जी आकर के बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पहली बार से जब से लोगों ने देखना शुरू किया, उन्होंने अपने जो भी उनकी काल्पनिक यो कह लीजिए जो प्लानिंग थी उसके बारे में बार बार आकर के उन्होंने कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर के अपनी बात कही।
लेकिन उसको किस हद तक वो आगे ले गए हैं इसको देखने के लिए अभी भी जनता रुकी हुई है। जनता के मन में कई सवाल हैं, चाहे वो लेकर के, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, चाहे वो ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जितनी भी चीजें वो कहते हैं किस हद तक उस पर अमल करते हैं, प्रश्न इसका है जी। कल उन्होंने जो बात कही ये एक सामाजिक मुद्दा है और इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक आगे आए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने कोई ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि वो नागरिकों को भी मॉनिटर करेंगे। जो जैसा कि अभी हमारे साथ एक बहन है उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र तो उनके सामने है, उनके कब्जे में, उनके हाथ में है, उसको उन्हें पहले मजबूत करना है। यहाँ तक तो मैं सहमत रखती हूँ, लेकिन हर चीज को समाज पे डाल देना, लोगों पर डाल देना, समाज पर डालने की बात नहीं हो रही है नीता जी। एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले तीन दशकों की बात करें तो 1.25 करोड़ से ज्यादा लड़कियों की भ्रूण में हत्या कर दी गई। 3 दशक आप समझती हैं कितना होता है 3 दशक? मैं देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ समाज का तो दायित्व है ही, लेकिन साथ में सरकार क्या कर रही है इसके बारे में इसको उन्हें बताना चाहिए। जहाँ तक कि बीमा सुरक्षा की बात है या और जो स्कीम्स, देखिए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितनी ही यूपीए सरकार के दौरान बहुत स्कीम्स आई और बहुत हद तक सफल भी हुई, लेकिन आज उन्होंने फिर एक सुरक्षा योजना की, बीमा की बात कर दी और उसमें भी बात कर दी रक्षाबंधन के समय की। अरे क्यों नहीं उन्होंने इस बात, ये बहुत बड़ा एक गहरा मुद्दा है कि क्यों नहीं उन्होंने, क्यों आप इसको जोड़कर देख रही हैं नीता जी, उन्होंने उन मुस्लिम बेटियों की भी बात करी, ये भी मुझे बात पूरी कर ले दीजिए। केवल उन्होंने सुरक्षा की बात करी, बीमा की बात करी, इसके पहले भी बहुत ही लार्ज स्केल पर बैंक के खाते खोले जा चुके हैं, उनमें अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई, उनमें कितना रुपया गरीबों को गया, इसके बारे में उन्होंने क्या बात करी, कभी भी बताई? और कल जिस तरह से वो मौन धारण किए थे एक ज्वलंत मुद्दे आप को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, पैसे भी आ रहे हैं, सब्सिडी भी जा रही है, सब चीज हो रहा है, जो योजनाओं के पैसे हैं वो अकाउंट्स में जा रहे हैं, आप बताइए कहां किस अकाउंट्स में नहीं जा रहे हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलर जानकारी हो तो बताएं। हाहाकार मचा हुआ है नेताजी, सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं बोलनी चाहिए, आपके पास तथ्य भी होने चाहिए। केवल अकाउंट खुलवा देने से किसी का उद्धार नहीं होने जा रहा, पर इतने लाखों रुपया जो उन्होंने कहा था ब्लैक मनी वापस आएगा, कहाँ है ब्लैक मनी जी, आज जी, तक जी। उस पर कोई ऐसे राजनीति करने से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 1000 पर 914 महिलाएं रह गई हैं, बच्चे रह गए हैं, ये आंकड़े बताते हैं। नीता जी आपके पास भी आएंगे और ये आंकड़ों पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं और क्यों नरेंद्र मोदी की हम इस सराहना कर रहे हैं इस पहल की, क्योंकि आंकड़े भयभीत कर देने वाले हैं। पिछले अगर 3 दशकों की बात की जाए तो यहाँ पर 1.25 करोड़ बच्चों को पैदा होने से पहले मार दिया गया। अगर इसके लिए नरेंद्र मोदी कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसका समाज पर कितना असर होगा, समाज इस मैसेज को किस तरह लेगा, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे को लेकर, नरेंद्र मोदी की इस खास पहल को लेकर, अपील को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता टॉम का क्या कुछ कहना है उनसे, क्योंकि हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बेटी बचाओ का आह्वान किया है, लेकिन थोड़े ग्लैमराइज तरीके से। हमारे साथ टॉम वडकन है। वडकन साहब, बेटी बचाओ आंदोलन को काफी मुखरता से नरेंद्र मोदी लागू कर रहे हैं, कम से कम इस बार आप लोग तो अप्रिशिएट करेंगे उनको। देखिए, बेटी बचाओ अभियान जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये कुछ नई प्रोग्राम तो नहीं है, हम भी ये प्रोग्राम में थे, वो हरियाणा में हो, हर स्टेट में हम इसको लागू करते थे। अभी ऐसा क्या हुआ कि इस प्रोग्राम पर ज़्यादा इतना फोकस किया जा रहा है? जिन बातों पर उनको बोलना चाहिए वो चुप हैं। देश में जो हालात हैं, करप्शन है, प्रॉबिटी रखना चाहिए, उन पर कुछ मौन व्रत रखा है हुआ है। तो हम तो कहते हैं बेटी तो ज़रूर बचाइए, लेकिन आप मौन तो तोड़िए, बताइए देशवासियों को सच्चाई में क्या हो रहा है। भारतीय मौन पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है उसको तो रखिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक प्रधानमंत्री बार बार इस तरह की ताकीद करेगा तो शायद जनता बहुत अच्छे से सुनेगी, और उसका नतीजा भी देखने को मिला, आज ट्विटर पूरा भरा हुआ है सेल्फी विद डॉटर से। देखिए, सेल्फी विद डॉटर अच्छी बात है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन सेल्फी कुछ अपराधियों के साथ भी हो जिस पर ये मौन मेंटेन कर रहे हैं, हम वो देखेंगे कि ऐसे भी सेल्फी हो जिससे ये अपराधियों का नाम और प्रधानमंत्री जी जो मौन रख रहे हैं उनके साथ भी सेल्फी लें, अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है ये? उसमें क्या शक है, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, अपने आप को और पार्टी को बचाने के लिए
नए नए प्रोग्राम, विचित्र प्रोग्राम ला रहे हैं। ये प्रोग्राम तो हम भी लागू कर चुके थे, लेकिन क्या है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो साफ है, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस भी लगातार इस तरह के प्रोग्राम चलाती रही है, लेकिन इस तरह से इवेंट का रूप उसने नहीं दिया था, और ये इवेंट का रूप सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि देश की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनसे लोगों का ध्यान बटाया जा सके। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शबनम जी, एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर हम मुंबई की बात करें या दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें, स्पेशली मुंबई में पिछले साल 30,000 से ज्यादा महिलाओं को गर्भपात करवाया गया, जिसमें 9 महिलाओं की मौत हो गई। इस तरह के भयावह आंकड़े हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर हम हर रोज की बात करें तो 55 गर्भपात कराए जाते हैं। इस तरह के भयावह आंकड़े हैं। अगर उसके बाद भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है, समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, ना कोई इसको बुरा बता रहा है कि आप डॉटर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई इसको बुरा नहीं बता रहा है। हम सिर्फ जो बुनियादी मुद्दे हैं, मैं सिर्फ आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि गर्भपात हो रहे हैं, क्या जिन सेंटर्स में गर्भपात हो रहे हैं आपने उन पर कोई कार्यवाही करी? ऐसे मैं आपको हजारों किस्से बता दूंगी श्रेया, जहां मीडिया तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और उन पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मुझे लगता है कि जो मैं आपसे बार बार कहने की कोशिश कर रही हूं बात, कि ऐसे सेंटर्स, इस तरीके के डॉक्टर्स जो इस गर्भपात कराते हैं, इन पर शिकंजा कौन कसेगा? ये तो सरकारों का काम है, ये तो प्रशासन का काम है। आप इन सब चीजों पर काम करिए, सेल्फी किसी के भी साथ डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए खूब सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के गैर कानूनी काम कानून बन चुका है, और इस तरीके कानून बनने से नहीं चलेगा, कार्रवाई भी हो रही है। अगर कोई मामला सामने आता है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, आज और आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ रहा है कि बेटी को भी मानिए, बेटी के साथ भी सेल्फी डालिए। क्या 60-65 साल बाद भी हमें ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए थी कि बेटी के साथ सेल्फी डालिए? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। जो आप बात बोल रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि अप्रैल महीने में सरकार ने 300 निरीक्षण किए थे और उसमें 38 शिकायतों का निपटारा किया गया। वहीं सिर्फ 43 क्लिनिकों को बंद किया गया और 11 मशीनों को बंद किया गया, सिर्फ 11 मशीनें। क्या इस तरह से सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो वाकई कमीशन पर पहुंच पाएगी? 11 मशीनें चल रही हैं जी पूरे देश को। आप, मैं पूरे देश में घूम घूम कर काम करती हूं, मैं देखती हूं किस तरह से। और मुकेश जी, ये तो आप पर हम दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता मद्रास की बात कर रहे हैं, आप रूरल एरियाज में जाकर तो देखिए एक बार महिलाओं की हालत पर थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए। फिर आप ये सेल्फी वाला प्रोजेक्ट की भूल जाती है। श्रेया, आप गांव में चलिएगा मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी महिलाओं की हालत। जो तस्वीर हमें दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रही है, गांव में तस्वीर उससे बेहतर है। जो सबसे ज्यादा हालत खराब है वो दिल्ली मुंबई में है। जो भ्रूण हत्या के जितने भी मामले आ रहे हैं, जो केसेस है, वो शहरों से ज्यादा आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ सेंटर तक जाने नहीं दिया जाता, वहाँ घरों में ही किस किस तरीके की औषधि देकर उल्टी सीधी चीजें खिलाकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है? इसीलिए तो लोगों की सोच बदलने की कोशिश की जा रही है। ये बदलने की कोशिश में कोई मना नहीं कर रहा है, हम सब साथ खड़े हैं। लड़कियों के लिए आप कुछ भी अच्छा कदम उठाएंगे और कोई भी इनिशिएटिव लेगा, सब लोग साथ खड़े होंगे। मोदी जी तो शायद आज पीएम बनकर ये काम कर रहे हैं, आप पर हम तो सालों से ये काम कर रहे हैं। एक चीज मैं सीधा पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आपको लगता है सिर्फ सरकार की जवाबदेही है सरकार का? क्या जो पब्लिक है, जो हम और आप है, क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि समाज इसमें, मुझे लगता है ये सामाजिक समस्या है, और इसको हम लोगों को उतने, जो समाज के लोग हैं वो ज्यादा आगे बढ़ के यदि इनिशिएटिव लेते हैं, तब इस तरीके के मामले ज्यादा रुकेंगे, कारगर ढंग से रुकेंगे। और इसकी शिकायत भी अगर हमारे आसपास कुछ इस तरीके का होता है, हमें पता चलता है, तो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो सीधे तौर पे अब हर एक चीज के लिए हम सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, जो कानून नहीं बन रहा है, पालन नहीं हो रहा है कानून का, लेकिन हम अपनी बात भूल जाते हैं। हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास अगर इस तरीके का कोई मामला आता है, सिर्फ यही नहीं कि केवल भ्रूण हत्या का मामला नहीं, अगर आपके सामने कोई ये मामला आता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़की के साथ, तो क्या आपने कोई इस तरीके का मामला सरकार में लाया? क्या आपने इनिशिएटिव लेके उस तरीके की कोई केस को सॉल्व किया? आप काफी काम करती हैं, आप सामाजिक महिला हैं और आपने बहुत दिनों से बहुत अच्छे काम किए, मुझे पता है, लेकिन क्या आप कोई केस इस तरीके का बताएंगे जहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो महिलाओं के साथ और आपने उसे बराबरी का हक दिलाया हो? बिल्कुल, ऐसे हजारों किस्से हैं जहां पर लड़कियों को दबाने की कोशिश की जा रही थी और हमने उन्हें बचाया, उनको किस तरह से सम्मान दिलाया। अगर हम आपको किस्से बताने पर आएंगे तो ऐसे हजारों किस्से हैं, क्योंकि सालों से जब आप काम करते हैं तो इन्हीं सब चीजों से आपको जूझना पड़ता है और सरकार से और समाज से लड़ाई लड़नी पड़ती है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज भी पूरी ताकत के साथ उन सब कर्तव्यों को निभाए जो उसे निभाने चाहिए, लेकिन जो वहशी लोग हैं, जो इस तरीके की चीजें लड़कियों के साथ, लड़कियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उनको सजा देना तो आप कानून और सरकार का काम ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बार बार यही कह रही हूँ कि सरकार बिल्कुल सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। मैं खुद सेल्फी डालकर और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए, जिस तरह से हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, मोदी जी के साथ खड़े नजर आएंगे। उसमें कोई किसी ना नेता को परेशानी होनी चाहिए ना सामाजिक व्यक्ति को परेशानी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, जो प्रशासनिक तंत्र उन गुंडा तत्वों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, हरियाणा की आप बात कर रही थी श्रेया, हरियाणा में क्या हाल है लड़कियों का? हर 2 घंटे में बलात्कार हो रहा है, 2 घंटे में 4 बलात्कार, 6 बलात्कार, आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आप हरियाणा से ही प्रेरित हो रहे हैं ना, तो खाप पंचायतों पर अंकुश कौन लगाएगा श्रेया? आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी। अवेयरनेस प्रोग्राम में सब आपके साथ खड़े होंगे, अगर आप लड़कियों के लिए कोई चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन, खाप पंचायतें, अपराधी वर्ग जो इतना सक्रिय था, खाप ऐसे भी हैं जो इस तरीके के इनिशिएटिव को आगे बढ़ के बढ़ा रहे हैं। श्रेया, खोखर एक खाप पंचायत है जो कि इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहा है और जो बराबरी, गैर बराबरी हरियाणा में है उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहा है, और मेरे ख्याल से वो कुछ प्राइज मनी पुरस्कृत भी कर रहे हैं लोगों को। वो इनका 21,000 रुपए उन्होंने रखा था कि जो भी अपने बेटियों के साथ रखेगा और जो सबसे अच्छी सेल्फी होगी उसको 21,000 दिया जाएगा। और जिस खाप पंचायत की आप बात कर रहे हैं उसमें घोजर एक नाम था खाप पंचायत का, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी इस तरह का मामला आता है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है या फिर भ्रूण हत्या जैसा, तो समाज से ही बहिष्कृत उन्हें कर दिया जाएगा। तो ये भी एक सराहनीय पहल है खाप पंचायत की, जिनको हम जानते हैं डिसीजन को लेकर। जी, हम आपके पास आएंगे। नीता मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई, नीता मिश्रा जी आप मुझे ये बताइए कि अब जो तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसको अब सेल्फी के द्वारा इंप्रूव करने की बात की जा रही है, क्या वाकई में सेल्फी से ये तस्वीर बदल पाएगी? ये तस्वीर अभी सामने नहीं आई, ये तस्वीर तो वर्षों से सामने थी देश के सामने, और ऐसा नहीं है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। सेक्स रेशियो वाकई में एक चिंता का मुद्दा है, पर जहां तक कल उस मंच की बात है जहां से नीता जी आप जो कह रही हैं सेक्स रेशियो में पिछले बात करी, जो जनगणना भी हमारे पास 2011 का आया है जो आंकड़े, उसके हिसाब से नहीं, सुधार नहीं हो रहा, इसीलिए चिंताएं बढ़ी हैं। 984 से 914 पर आ गया है। तो देखिए आप, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मन की बात के माध्यम से और भी जो माध्यम है उनसे प्रधानमंत्री जी जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, जिसका कि आप बार बार मैं आपको आप इस मुद्दे को इतना छोटा या दूसरे जो राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे, देखिए आपको ये चीज तय करना होगा नीताजी, आपको ये बात तय करना होगा नीताजी, आपको तय करना होगा, प्रायोरिटी तय करनी होगी आपको कि ये मुद्दा बड़ा है या आप जो करप्शन की बात लेकर के बार बार बैठ जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और ये मुद्दा उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। आप इसको आप 984 से 914 पे आपकी जब सरकार थी, प्रोग्राम है राजनीति के ऊपर उठकर बात करनी होगी आपको। शबनम जी और नीता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है अनिला जी आपका वंदे मातरम में। जिस तरह की पहल की गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपको क्या लगता है इस पहल से क्या जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो संदेश जनता तक पहुंचेगा? पहुंचेगा भी और पहुंच भी रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी जो पूजनीय होती है, जो हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि अगर कन्यादान नहीं करो तो मनुष्य का जीवन जो है वो सफल नहीं होता। अनिल जी, अगर हम इस ओर ध्यान दें कि समाज इस ओर क्यों जा रहा है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम ये सोचें कि लोगों की सोच क्यों बदलती जा रही है, क्यों डाउरी सिस्टम पर किस तरह से रोक लगेगा, महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना है वो कैसे ठीक होगी, अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, अपने प्रशासन तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा करें, ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें किस प्रकार से जो कन्या है, नारी है, वो पूजनीय होती है, अगर उसका स्थान सही जगह पे नहीं है तो पूरी जो एक संस्कृति होती है वो चरमरा जाती है, पूरा समाज जो है चरमरा जाता है। इस चीज को समझते हुए जो विभिन्न योजनाएं आई हुई हैं, चाहे वो कन्या समृद्धि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, इस सब के पीछे ये है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी पंथ हो, वहाँ पर जो कन्याएं हैं, जो नारी है,
उसका मान सम्मान उसको पूरा मिलना चाहिए, उसे समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरा सोचते हुए कोई भी माँ होगी या कोई भी बहन होगी, कोई भी बेटी होगी, वो अपने आप को वही मैं पूछना चाह रही हूँ अनिला जी, अनिला जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, स्कूल में हिंदू बच्चों को भगवा कलर की ड्रेस और मुस्लिम बच्चों को हरे कलर की ड्रेस पहना दिए, उनसे पूछते हैं। अनिला जी हमारे साथ शबनम जी जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की नेत्री है। जी शबनम जी आप पूछ सकती है। अनिला जी जी बताइए, मध्य प्रदेश में एक स्कूल में हिंदू बच्चों को भगवा कलर की यूनिफॉर्म और मुस्लिम बच्चों को हरे कलर की यूनिफॉर्म क्यों पहना दी गई? ये बहुत निंदनीय है कि इस तरीके का अगर कोई कार्य हो रहा है, इस पर अंकुश कौन लगाएगा, इस पर मन की बात कौन कहेगा? जो आप बता रही हैं इस प्रकार की किसी भी प्रकरण की जानकारी मुझे नहीं है। अगर इस प्रकार कुछ भी कार्य हुआ है तो वो मैं कह रही हूँ आपसे कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई भी किसी भी जाति धर्म को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता जी, जो सबको मान्य होता है वही किया जाता है। अनिला जी हमारे साथ नीता मिश्रा भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस की नेत्री है, वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रही है। जी अनिला जी मैं जानना चाहती हूँ, आपने आते ही कहा कि मोदी जी इस देश की संस्कृति से भली भांति उसके बारे में जानते हैं और महिलाओं को यहाँ नारियों को पूजा जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये एक थ्योरी, ये तो देश का हर नागरिक जानता है, लेकिन क्या मोदी जी वाकई में इस बात का सम्मान करते हैं? अगर करते होते तो आज यशोदा बहन जी को जिस तरह से उन्होंने किनारे डाल रखा है क्या अपने साथ ना रखते? तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं के ऊपर ये प्रश्न उठा करके उनसे जवाब जानना चाहूंगी। और अनिला जी यदि आप ये कहती हैं कि मोदी जी को इसमें विश्वास है कि नारियों का सम्मान होता है, तो आखिर उन्होंने अपने घर की सर्वप्रथम महिला को सम्मान क्यों नहीं दिया? दूसरी बात ये मन की बात कि जो मन दो बातें मुझे कह लेने दीजिए अनिला जी, दूसरी बात नहीं है इसीलिए आप इस प्रकार के प्रश्न कर रही हैं, आपको उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में शायद अधकचरी जानकारी है। देखिए व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की किसी को नेता जी हम किसी के व्यक्तिगत जीवन को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर गलत जानकारी यदि वे देते हैं तो उसके बारे में अवश्य पूछा जाएगा। नेताजी जिस मंच से उन्होंने इस बात की बात कही उस पर ये बात कही बहुत अच्छा है और इसके बारे में एक जागरूकता फैलाने का अगर उन्होंने कदम लिया तो ये भी अच्छा है, लेकिन केवल इतनी ही बात अपने मन की बात में उन्होंने कही। बात इस पर है, प्रश्न इसका है कि जो और ज्वलंत मुद्दे थे वो क्यों नहीं उठाए उन्होंने, उन मुद्दों पर इतनी ही बात कहकर क्यों है? मन की बात में रखा गया है जो उनकी मंशा है उसको स्पष्ट होने दीजिए। या बेटी सेल्फी की अगर बात करी है तो इसमें तो आपको एक महिला होने के नाते आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। मैं कह रही हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है अनिला जी, मैंने शुरू में ही कहा कि अच्छा है उन्होंने स्टेप लिया, एक कदम लिया, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो अच्छे लेकिन दो बातें रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार उससे भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, परंतु मुझे खुशी होती है जब इन पार्टियों को तकलीफ होती है, क्योंकि जब जब विरोधी दल को तकलीफ होगी वो हमारा मापदंड होता है कि हम अपनी राह पे बिल्कुल सही चल रहे हैं। फिलहाल जो आपने सुना है वो हर एक पार्टी की अपनी अभिनेत्री की अपनी राय सुनी है, लेकिन जिसके लिए जिस कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है यानी कि जनता के लिए हमारे और आपके लिए, उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर वो हम आपको सुनवाते हैं। बेटी तो बचानी चाहिए, बेटे हैं तो आगे भी देश के वो करती हैं, सबके माँ बाप की भी देखभाल करते हैं सब बेटे, लेकिन उससे ये भी अच्छी अच्छा कर रहे हैं। अगर ये बेटी बचाने का कोई प्रोग्राम, लोगों की सोच बदलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लाना चाहिए बेटियों को धरती पे। और आजकल तो बेटियां बेटों से आगे है, मुझे लगता है कि हमें बेटियों को लाना चाहिए। मेन आर जस्ट इक्वल टू मेन, तो बेटी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हेल्दी बच्चा हो, आप यही प्रेयर किए थे। बचाना चाहिए आजकल, जैसे अब तो काफ़ी लोग सतर्क हो गए हैं, लड़कियों को काफ़ी पढ़ाने लिखाने हर चीज़ में नंबर वन बना रहे हैं। सुनीता जी आपने सुना हर ओर से यही आवाज़ आ रही है कि बेटियां हमारे लिए ज़रूरी है, मैं भी यही चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों बेटी आपके और हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपने कुछ लोगों का भी इंटरव्यू दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने पूछा उनसे कि बेटियां ज़रूरी हैं या नहीं, उन्होंने उस प्रकार से उसका जवाब दे दिया, लेकिन उनसे और भी तो पूछ सकते थे आप इस देश के हालात के बारे में। आप
ये बता दीजिए कि बेटियां आपके परिवार के लिए किस तरह से जरूरी है। मेरे ख्याल से हमें ये पूछना चाहिए नीता जी से कि आपके जो नेता नवीन जिंदल हैं, उन्होंने इंडोर्स किया है, उन्होंने तारीफ की है मोदी की जो बात है, उन्होंने ट्वीट विद सेल्फी विद डॉटर जो प्रोग्राम किया है उन्होंने, उसको नवीन जिंदल जी ने जो है तारीफ की है, ट्वीट भी किया है, अपनी बेटी के साथ फोटो भी डाली है, क्या आपको लगता है नवीन जिंदल को आपके पार्टी आपकी पार्टी की लाइन नहीं पता है? उन्होंने मन की बात की है, नवीन जिंदल जी ने मन की बात की है। अगर करेंगे तो अडवाणी जी ने क्या कहा है आपके? बिल्कुल हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, हम उसकी चर्चा भी कर चुके हैं। इसलिए हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। नवीन जिंदल जी ने अपने मन की बात की है, नहीं तो स्वच्छता अभियान की जब बात चलाई थी। नीता जी अब इतना टाइम नहीं है, मैंने आपसे दो शब्दों में पूछा बताइए जी। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की बात करी और उन्होंने फिर बताया कि आपके शशि थरूर हमारे साथ बताया ने उसको भी इंडोर्स किया था। उन्होंने कहा 15-15 लोग तैयार करे जाएंगे, कहां पर कौन सा निश्चित लिया गया केवल इसके कि नीता अंबानी को? मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी मजबूत करनी होगी कि जी हाँ, हमें लड़कियों को सुरक्षा देनी बहुत जरूरी है। उनके ऊपर जो प्रशासनिक तंत्र है उसको चाहे आपको कड़ा करना पड़े, चाहे आपको समाज के जो आप और हम सोच की बात करते उसमें फेरबदल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जी, पड़े जी, जी। मुझे लगता है हम ऐसी छोटी छोटी चीजें जो जरूरी है उन पर भी काम करेंगे तभी हम लड़कियों को सुरक्षा दे पाएंगे और जन्म भी दे पाएंगे। तब आप और हम गर्व से कह पाएंगे अगले जन्म भी मुझे बिटिया ही की। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की है। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 984 थी, 914 आ गई, सरकार को देखना चाहिए कहाँ कमी है? बिल्कुल, मुझे लगता है श्रेया, सरकार से ज्यादा समाज को भी देखना चाहिए। ये सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक समस्या है। और जब तक घर से, एक जो बच्ची बोल रही थी वर्कशॉप में जो जनता के ओपिनियन में, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, लोग नहीं चाहेंगे, तब तक कोई भी अभियान किसी भी तरीके से हो, जागरूकता फैलाने की, जब तक हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे, तब तक कोई भी अभियान जो है वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए सेल्फी विद डॉक्टर आप डॉक्टर जो है आप जरूर लीजिए, लेकिन आप ये भी प्रण लीजिए कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े होंगे और हम जहां भी देखेंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे, तभी ये अभियान और तभी ये जागरूकता सही मायने में काम आएगी। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ हम शुक्रिया भी करना चाहेंगे, लेकिन एक बात जो मैं लास्ट में आपको कहना चाहूंगी वो यही है कि एक शुरुआत हुई है, एक बड़ा कदम उठाया गया है, तो मानसिकता बदलनी होगी, बेटियों को उनका हक देना होगा और बेटियों पर गर्व करना होगा, तभी हम उस राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही में सार्थक होगा। और इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों का, शबनम खान हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। नमस्ते। एक नेता जी अपने साथी को अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे। वो बोले, मेरी पत्नी वास्तु शास्त्र में बहुत विश्वास रखती है। दूसरे नेता ने पूछा, वो कैसे? पहले नेता ने जवाब दिया, मेरे घर देर से पहुंचने को लेकर। जब भी हमारी लड़ाई होती है वो किसी भी वस्तु को हाथ में उठा लेती है और उसे शस्त्र बनाकर उसका उपयोग करने लगती है। मोदी की जीत और अजय राय की हार को लेकर कांग्रेस में हमेशा बात होती रहती है। इसी हार पर कांग्रेस के दो नेता आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। एक नेता बोला, अगर मोदी के मुकाबले अजय राय की जगह किसी और राय को उतारा जाता तो मोदी का जीतना आसान नहीं था। दूसरे ने पूछा, अरे भाई, और कौन सा राय खड़ा हो सकता था मोदी के मुकाबले? पहला नेता बोला, मोदी को तगड़ी चुनौती अजय राय से ज्यादा ऐश्वर्या राय दे सकती थी भैया।